मैं अगर इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में वैभव सैनी सर का बहुत बड़ा रोल है। इनकी जो हॉबी वाली वीडियो थी सर की, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। ये शायद सर को भी नहीं पता होगा अभी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था हॉबी से, तो मैं अच्छे से बता पाई थी। हेलो टू ऑल द ब्रेव एस्पिरेंट्स आउट देयर, माई नेम इज़ कृतिका सिंह एंड आई हैव रिसेंटली क्लियर्ड आर आरबी PO एग्जामिनेशन। आई एम हियर टू शेयर माई व्यूज, माई ओपिनियंस विद ऑल ऑफ यू फॉर वॉट ऑल हेल्प मी इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, वॉट मिस्टेक्स आई मेड, वॉट वर द लर्निंग्स एंड वॉट ऑल हेल्प मी टू गेट एस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक वैभव सैनी सर हु आस्क्ड मी टू मेक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सर। एंड मैं स्टेज वाइज आपको बताऊंगी कुछ कुछ चीज़ें, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी किसी भी पे, क्योंकि आई एम श्योर आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और टाइम टेबल्स ऑलरेडी मिल गए होंगे जो कि लोग शेयर करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर जेन्युइन एज वेल। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको फॉलो मत करिए, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप चाहे जिसको सुन लीजिए, चाहे जो भी डाउट्स हैं आपके मन में वो क्लियर कर लीजिए, लेकिन एट लास्ट आप खुद का ही एक शेड्यूल बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं और उस पर ट्रस्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल भटके ना उससे, अगर बना लिया है तो हाँ फिर वही फॉलो करना है चाहे जो हो जाए। चेंजेस करेंगे तो आप अपनी मर्जी से करेंगे, दूसरे की मर्जी से नहीं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा रिगार्डिंग द टाइम टेबल। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो कुछ की पॉइंट्स मैं बताती हूँ कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर को टाइम दें, कोई भी चैप्टर स्किप ना करें, क्योंकि कंपटीशन का लेवल ये है कि आप एक भी चैप्टर स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय। आपको पढ़ना ही पड़ेगा सब कुछ, बहुत डिटेल में नहीं, तो कुछ चैप्टर जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं वो आप यूट्यूब की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मेंशुरेशन जैसे चैप्टर्स आप बहुत डीप में नहीं, पर बेसिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं प्रीलिम्स में एंड वो बहुत ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। जिनका 1-2 मार्क्स की वजह से सिलेक्शन रुकता है वो इसको ज़रूर ध्यान रखें। एंड आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन में, वो प्रैक्टिस से ही आएगी, इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड वो कुछ नहीं होगा। आपको रोज़ देना पड़ेगा खुद को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड थर्ड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, कि बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कि 40 सॉल्व करते 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 स्टक हो जाते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, पैनिक कर जाते हैं कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। बट ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ये तो प्रिपरेशन या इस जर्नी का सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, कि आपको खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि अगर आप ये इस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको एंड तक आप ही को लेके जाना है। एंड प्लीज़ प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरी थिंग। एंड अगर आप ये सब बातें खुद से रोज़ करेंगे तो आप वहाँ पैनिक नहीं करेंगे, स्टक भी होंगे तो आप बाउंस बैक करेंगे एंड यू विल गेट क्लियर ऑफ द एग्जामिनेशन। सो या मैं मॉक टेस्ट बता देती हूँ मैंने कौन से प्रेफर किए थे ड्यूरिंग दिस होल एग्जामिनेशन। मैंने स्मार्ट कीड़ा यूज़ किया था टेस्ट जोन का, ग्रेड अप भी था मेरे पास बट उतना यूज़ नहीं किया था मैंने, कुछ टेस्ट ही दिए होंगे, बट स्मार्ट कीड़ा मैंने दिया था और आई लाइक द कंटेंट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। प्री के लिए तो था ही, प्री के लिए तो आप कोई कोई सा भी टेस्ट यूज़ करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन फॉर मेन्स आई वुड, अभी मैं आती हूँ मेन्स पे तो मैं बताती हूँ कि वो कैसे हेल्प किया उसने मुझे। एंड वन थिंग कि मैंने कोई भी पेड कोर्स से पढ़ाई नहीं की है, मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं यूज़ किया है,
हाँ, फ्री में जहाँ भी मुझे, फ्री में भी आजकल लोग बहुत जेन्युइन मटेरियल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं आपको। मटेरियल्स का इतना एक्सेस है इस समय कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए कि आप कहाँ कितना टाइम दे रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि फ्रीली बहुत इजीली पढ़ाई हो जाएगी एंड आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। करने हैं तो मॉक टेस्ट में कर लीजिए। मैं मेंस की बात करती हूँ, तो अगर मैं मेंस की बात करूँ तो पहली प्रीरिक्विजिट जो मैं आप लोग को कहना चाहूँगी कि होता है कि आपका माइंडसेट कैसा है ड्यूरिंग द मेंस एग्जामिनेशन। बहुत ज़रूरी होता है 2 घंटा खुद को होल्ड करके बैठना पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ। बहुत लोग इसी चीज़ से पैनिक कर जाते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन नहीं बनता है या फिर स्टक होते हैं तो वापस से बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको भरोसा रखना है खुद पे कि आप कर सकते हैं, और अगर आप डेली उसके लिए खुद को पुश करेंगे तो आप डेफिनेटली उस दिन ज़रूर कर लेंगे। एंड मेंस के लिए अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मैंने स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट यूज़ किया था। मुझे ये मेंस के लिए बहुत अच्छा लगा था। प्री के लिए तो आप, प्रिलिम्स के लिए तो आई मीन कोई सा भी आप यूज़ कर रहे हैं, सिमिलरली आपको कंटेंट मिल जाएगा सेम ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मेंस के लिए मुझे ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा था। इसके जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो मुझे सिमिलर लगे जो एक्चुअल एग्जामिनेशन था। तो और भी मॉक टेस्ट हैं अवेलेबल, और मैं सच बताऊँ तो आप लेंगे ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, टेस्ट जोन, स्मार्ट कीड़ा, एनी एनी ऑफ देम इज़ इक्वली बेनिफिशियल। तो आप कोई सा भी लीजिए, ट्रस्ट करिए उस सोर्स पे पर कि हाँ ठीक है, मैं इससे कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये हो गई इसकी बात। इसमें तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स में तो 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग एंड मैथ्स। यहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए और कंप्यूटर एडिशनल मिलेगा। एंड कंप्यूटर आई वुड से कि मैंने सचिन अरोड़ा सर को फॉलो किया था, अगर कोई रेफर करना चाहे फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। तो आई वुड से कि बहुत 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 रेलिवेंट था उनका कंटेंट, टू द पॉइंट था, कुछ भी एडिशनल नहीं था, और मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वहाँ से। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने उन्हीं को फॉलो किया था लास्ट के 20-25 डेज के लिए एंड डिसेंट मार्क्स मैंने स्कोर किए थे कंप्यूटर में भी। तो एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको गाइड कर ही रहे हैं लोग इस चैनल पे भी, वैभव सर आपको बताते ही हैं। एंड और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको एट द एंड कि जो भी, जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जिस भी टीचर को, उन पर ट्रस्ट करिए एंड डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और ये एग्ज़ाम भी आपका क्लियर होगा, इससे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स भी आपके क्लियर होंगे। और मैं अगर इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू में वैभव सैनी सर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेंस के बाद ही मैं इनके वीडियोस के अक्रॉस आई थी और मैंने देखा था जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी, तो तभी मैंने देखा था। तो इनकी जो हॉबी वाली वीडियो थी सर की, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। ये शायद सर को भी नहीं पता होगा अभी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था हॉबी से, तो मैं अच्छे से बता पाई थी अपने, होता है ना कि आप इंटरव्यू को अपने फेवर में ले लेते हो उस समय, तो वो हो गया था। तो जो डॉग फीडिंग वाली हॉबी थी उसने हेल्प किया था, सच में किया था। एंड बहुत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं थे मुझसे कि दो आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आएंगे मुझसे क्वेश्चंस, मुझसे कॉलेज मतलब मेरे ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, 12th क्लास से भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे वहाँ से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इट ऑल डिपेंड्स कि उस समय वो, उनका मूड क्या है, वो क्या पूछ रहे हैं, आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। एंड दिस इज़ वेरी डेफिनेट कि आप जो बोल रहे हो वहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो उन्होंने
उन्होंने ऐसे मेरे को एक सिचुएशन दी थी, एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि वुमेन का कैसे एम्पावर करेंगे आप, और वो अगर बैंक में आ रही है तो उन्हें क्या बताओगे या फिर उनकी हेल्प कैसे करोगे। तो मैंने बोला था कि सर सेविंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, एंड उन लोगों बहुत लोग वुमेन को पता ही नहीं होता है कि बैंक में पैसे रखने के क्या फ़ायदे हैं, कौन सी स्कीम्स हैं इस समय। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने बोला, तो मैंने बस सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला ही था तो उन्होंने पूछ लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो मुझे पता था, तो मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे उसके बारे में पता था, उन्होंने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। मैंने RBI मेंशन कर दिया था बीच में, उसकी डेफिनेशन बता रही थी। तो उसमें पंच सूत्रा करके होता है एक, उनके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो बहुत कीन थे कि ये आपने कहाँ से पढ़ा, बिकॉज मुझे भी लगता है कि ये कोई मेंशन नहीं करता होगा। तो मैंने बोला कि सर मैंने RBI की वेबसाइट से पढ़ा। तो दे वर वेरी हैप्पी, ओके RBI की वेबसाइट से पढ़ा। देन इन अ फन वे उन्होंने मुझसे URL पूछ लिया, क्या URL बताइए RBI की वेबसाइट का, फॉर कंफर्मिंग दैट आई एम नॉट फेकिंग और मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही। तो वो सब ऐसे, और ऐसे ही चला इंटरव्यू, एंड दे वर वेरी हैप्पी। मतलब बोलते हैं ना कि आप जब क्लियरली बोलते हो और ट्रूली बोलते हो तो वो लोग भी, उनको भी समझ आता है कि आप फेक नहीं कर रहे हो, आप रियल में जो बोल रहे हो सच ही बोल रहे हो। तो प्लीज़ 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 इंटरेक्शन की तरह लीजिए इंटरव्यू, एंड आई एम श्योर, वेरी 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 श्योर कि बहुत अच्छा जाएगा। एंड घबराइएगा मत, घबराएंगे भी तो प्लीज़ बाउंस बैक करिएगा, अटक मत जाइएगा वहाँ पे। और बाउंस बैक वाली बात तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे लाइफ का कोई भी फेज हो, आपको बाउंस बैक करना ही है। आप अटकेंगे पर बाउंस बैक करना बहुत 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 ज़रूरी है। सो ये था छोटा सा वीडियो, और छोटी सी जर्नी थी मेरी। दो मुझे मुझे 2 साल लग गए एग्ज़ाम क्लियर करने में, बट ट्रस्ट मी, ये एग्ज़ाम इजीली 1 साल में क्लियर हो सकता है। मेनी पीपल डू इट इन 6 मंथ्स एंड 4 मंथ्स एज वेल, बट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई वुड से कि येस 1 ईयर इज सफिशियंट। अगर आप मिस्टेक्स अपनी रेक्टिफाई करते चलें और उनको एक्सेप्ट करते चलें कि हाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, बहुत लोग मिस्टेक्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो कर रहे हैं। और इन बोलते हैं ना कि उसको नोटिस में लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रिपरेशन पे हमेशा अपनी नज़र रखिए, वॉच रखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। एंड ये बोलिए खुद से कि अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो मुझे आउटकम भी चाहिए। तो टिल देन पढ़ते रहिए, और आपके कोई भी डाउट्स हों तो आई एम रेडी टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप यू ऑल विल क्लियर एन एग्जामिनेशन वेरी वेरी सून एंड गेट अ जॉब फॉर योर सेल्फ। एंड चीज़ें बदल जाती हैं, यू विल फील वेन यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, एंड प्लीज़ 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 बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एंड यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट, जस्ट हैव दैट फेथ दैट यस आई कैन। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, एंड थैंक यू।